लुक एट दोज माउंटेन्स। बुरा फंसा भाई, हम बुरा फंस गया इस बार। लाल चंदन है क्या? पुष्पराज। गुड मॉर्निंग। ओके सो अपना फर्स्ट स्टॉप 2 किलोमीटर के बाद। लॉल, अरे एक्चुअली ये बनाकलावा पॉलन कर रहा था तो मैं इसको खोल दिया है। एक प्रॉपर बनाकलावा चाहिए मुझे अभी। खैर छोड़ो, बाद में हम ले लेंगे। अब बज रहे हैं 5:26, सो लेट्स स्टार्ट आवर राइड। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपी व्लॉग्स। इट्स बीन विनीत पोलन वेलकमिंग यू ऑल टू अनदर वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बिली ने रास्ता काट दिया है, अपशगुन हो गया है, वेलकम बैक। सो आज बहुत दिनों के बाद फाइनली आई एम हेडिंग टुवर्ड्स समवेयर। कहाँ जा रहा हूँ मैं अभी पता नहीं वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे बॉर्डर पे एंट्री नहीं मिला देन मेरा बड़ा पोपट होने वाला है। सो अगर मेरा बॉर्डर में एंट्री हो गया देन आपको पता चली गया होगा थंबनेल टाइटल में देखकर। अगर बॉर्डर में एंट्री नहीं हुआ देन तो मैं दूंगा ही नहीं उस जगह का ना। बहुत दिनों के बाद, लिटरली बहुत दिनों के बाद एकदम मस्त फ्रेश फील कर रहा हूँ। ठंडी हवा चल रही है, लाइक आई एम फीलिंग अलाइव गाइस। जी हाँ, सबसे पहला काम मेरा अभी बाकी है, आप टायर पे हवा डालना है, उसके बाद अपना चेन टाइट करना है, क्योंकि ये दोनों काम मैं कल करना भूल ही गया एंड आज करने वाला हूँ। सो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, आप लोग रास्ते के मज़े उठाइए, हम भी उठाते हैं रास्ते के मज़े। ओके यू डोंट सी द थिंग्स आई सी, आई टेल यू थिंग्स यू वोंट बिलीव, अबव द स्काइज ओवर सी। What the hell guys? अरे यार कितना गधा हो सकता हूँ मैं, कितना बड़ा गधा हो सकता हूँ खुद सोच लो। मतलब आई जस्ट फॉरगॉट माई ट्राईपॉड, मैं अपना ट्राईपॉड नहीं लाया यार। शिट शिट गाइज, यार मूड ही खराब हो गया, एक सेकंड में मेरा मूड खराब हो गया अभी यार। मतलब अब कैसे फोटोज खींचूंगा यार, ऊपर से तो मैं सोलो जा रहा हूँ यार। कैसा ब्लॉगर हूँ, अपना ट्राईपॉड भूल के आ गया हूँ और मुझे ब्लॉगर बनना है। I hear them all those places calling me to never give up, to never back down. ओ भाई साहब, बचा लिया इसने। जोहार टू डिब्रूगढ़ तक का जो रास्ता है ना, एकदम खराब रास्ता है भाई। आप अगर गाड़ी से आते हो ना, आप ना मतलब पगला जाओगे आप। और यहाँ पे इतने गड्ढे हैं कि एक बार में तो ट्रक वाले भी सोचते हैं कि नहीं भाई, एक गड्ढा बहुत बड़ा है, मैं साइड से निकल जाता हूँ। भाई ये गड्ढे हैं कि यार, ये बोलेरो वाला भी पागल हो गया यहाँ आके, अभी बेचारा गुवाहाटी से आ रहा है। इसको पूछू क्या मैं? हाँ भाई कैसी लगी? और एक घंटा चला लेता हूँ, उसके बाद वी विल स्टॉप फॉर ए स्मॉल टी ब्रेक। 1 hour later. ने अपना फोन को यहाँ पे डाल दिया है, बहुत दिनों के बाद ये काम पे आया है अभी। बस मैं वो सही वाले गली में घुस जाऊँ उसके बाद टेंशन नहीं है, बट वो गली किस साइड है पता नहीं। वो ऑप्टिमस प्राइम। ओके नाउ दिस इज अ नाइस प्लेस, यहाँ पे एक स्टोरी दे ही देता हूँ। ओके सो यहाँ पे एक स्टोरी बनाते हैं। सो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके बस फॉलो कर देना फॉर इंस्टेंट अपडेट्स। एंड जस्ट लुक एट द लाइक सीन, यहाँ पे पूरा का पूरा पेड़ एंड जितना भी है सब कुछ डेड हो चुका है, यहाँ पे पूरा ग्रीन है। ओके सो यहाँ पे काम हो गया है, टाइट कर दिया चेन अभी तो। सो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तक बड़ा अच्छा रास्ता है और 2 घंटे लगने वाले हैं। लेट्स ओके, आराम से पहुँच जाएंगे धीरे धीरे। Even the nights the dark
for the dawn. Live your life, live your dream. It's the লংডিং যাম মই যোৰহাট এনেই ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ হা অ'কে চ' আপোনাৰ এণ্ট্ৰি হৈ চুকা হে মতলব কুচ ভি নি লিয়া বছ নাম বাইক কা নম্বৰ এণ্ড আপকা লাইচেঞ্চ কা নম্বৰ এণ্ড আপকা বাইক কিছকে নাম পে ৰেজিষ্টাৰ হে বছ এই বাত হে এণ্ড আমি যা সকতা লংডিং কি মজা আদে মানে গাইজ অ' ভাই চাহ পাহাৰ দেখ সকতে আপ ৱা ওপৰ फिलहाल मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लूँगा कहीं पे, सो मैं अभी बता सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स लॉन्गडिंग जो कि अरुणाचल में, ये अरुणाचल ही है. वेलकम टू अरुणाचल एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स लॉन्गडिंग. सुपर एक्साइटेड फॉर लॉन्गडिंग. ओ भाई लुक एट दिस व्यू. ओके बहुत दिनों के बाद पहाड़ पे चला रहा हूँ. ऑलमोस्ट वन ईयर. लास्ट टाइम मैं अप्रैल के महीने में मैं तवांग गया था, तब कुछ ऐसा सीन था. अभी एक साल के बाद मुझे ये सीन मिल रहा है. ओ भाई आई एम रियली हैप्पी गाइस. अभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं. सो आई हैव टू बी केयरफुल बिकॉज मैं इस बार सोलो राइड कर रहा हूँ, तो ज़्यादा जोश में भी नहीं आऊँगा. Just keep following your heart. I'm speechless, nothing to say more. Like I'm so happy, like wapas aaya hu pahadon mein, but is baar akela aaya hu, par koi nahi. Believe it's true, every day the sun rises again for you. तो जिसका डर था वही हुआ, बारिश शुरू हो चुकी है. टिप टिप करके बारिश गिरना शुरू हो चुकी है. अब मैं फंसने वाला हूँ, बट हु केयर्स भाई, हु केयर. अब तो भीग के ही जाना पड़ेगा भाई. बारिश बुरा फंसा भाई, हम बुरा फंस गया इस बार. सर छुपाने की जगह भी नहीं है, तो अभी तो देखो भाई रुकना भी बेकार है. चलते रहेंगे चलते रहेंगे. Longding is 26 kilometers from here. Wow, they look at those mountains. Oh ho. The park. Just keep following your heart. Oh bhai sahab, look at those mountains. हम लोग वहाँ से आए हैं अभी. ये क्लाउड देख रहे हो पूरा. अरे अपनी बाइक निकलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. अरे लाल चंदन है क्या, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला. मस्त जगह है ये एकदम. हाँ नया फर्स्ट टाइम आया है हम, पहली बार आए. अरे बहुत सुना है इसके बारे में, आज आ गया. और सो ये भाई साहब भी लॉन्डिंग जा रहे हैं. पहाड़ देख सकते हो ऊपर से भाई साहब, स्वाद आ गया है, स्वाद आ गया है पूरा. लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू. वहाँ पे सन, मतलब सनरेज गिर रहा है उस साइड पे, यहाँ पे नहीं गिर रहा है फिलहाल. देख सकते हो ऊपर क्लाउड है एकदम. एंड भाई साहब हम कहाँ थे, कहाँ आ गए भाई. मतलब आज एक ही दिन में मतलब इतना चेंज हो गया रास्ता. You don't see the things I see. Tell you things you won't believe. So yahi hai Longding market, I guess I have to find something somewhere where I can eat. Hi. चलो भाई ऊपर जाते हैं, ऊपर देख के देखते हैं कहीं पे कुछ खाने को जगह मिल जाता है. तो आइए रहा किचन है. सो फाइनली आई एम हियर इन अ होटल. अभी मैंने चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर दिया है,
दबा के खाऊंगा भाई, बहुत जोर की भूख लगी है। एंड मैं पहाड़ से एक व्यू दिखाता हूँ, क्या सही व्यू है यहाँ से। एंड जस्ट वेट अ सेकंड, सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हो रहा तो मतलब वेदर भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, दिस इज द लॉन्गडिंग। एंड देख सकती हो मतलब इतने दूर आने के बाद दिस इज द फर्स्ट मतलब परफेक्ट टाउन मिलेगा आपको यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। एंड यहाँ से स्ट्रेट आप जाओगे तो एक व्यू पॉइंट है, अंदर भैया ने बोला जो ओनर है यहाँ पे, मैं खाने के बाद से वहाँ जाऊँगा, वहाँ उसके बाद फिर से घर लौट जाऊँगा। बट दिस लुक एट द व्यू एंड माउंटेन्स देख सकते हो, वहाँ मतलब बेसिकली क्लाउड से पर ढका हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन्स है, कैमरे में नज़र नहीं आ रहे वो माउंटेन्स। सो फार सो गुड एंड लाइक वर्थ इट था यहाँ पे आना अभी। लाइक अगर आप जोहार से हो, आप एक ही दिन में आके वापस घर जा सकते हो, इतना पास है ये। ओके सो अपना खाना आ चुका है, चिकन फ्राइड राइस, ये सूप और ये चटनी। भाई बहुत जोर की भूख लगी है, ख़त्म करते हैं उसके बाद मिलते हैं। ओके द फूड वाज ऑसम। चलो भाई खा पी लिया है, अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा साइट सीन करने के लिए। सामने में है इसलिए जो होटल के भैया है वो मेरे साथ जा रहे हैं, बातचीत किया मैंने। आइए आपको पकड़ना पड़ेगा। हाँ मेरा नाम हाइवंग। हाइवंग हाइवंग वंशु। हाइवंग वंशु हाँ टाइटल है ना, वंशु वंशु और वंशु तो हाइवंग भैया जा रहे अपने साथ। सो भैया के साथ बहुत बात किया मैंने, यहाँ का कल्चर फेस्टिवल क्या क्या होता है वगैरह वगैरह सब कुछ पूछा है ए टू जेड। अगर मैं यहाँ पे रहता ना, कसम से मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे मतलब डेली ब्लॉग कर सकता था, क्योंकि हर चीज़ मतलब देखने लायक बहुत सारी जगह है यहाँ पे। ये जो कॉलोनी है ये लेवल 6 कॉलोनी होता है। सो ऊपर में ये हेलीपैड है एक्चुअली। भाई ये तो सही है यार। सो यहाँ से देखो पूरा अच्छी तरह से नज़र आ रहा है, वो जो व्हाइट कलर दिख रहे हो शायद वहाँ पे वो हेलीपैड है। सो एज यू कैन सी यहाँ से आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। सो बेसिकली दैट्स द टाउन लॉन्गडिंग, वो जो व्हाइट कलर को दिखाई दे रहा है दैट्स अ हेलीपैड। एंड ये एक स्कूल एंड दैट्स अ चर्च, एक बहुत सारी जगह पे है। एंड जहाँ आप देख रहे हो वो एक पहाड़ी है, पूरा पहाड़ के बीचों बीच वो लॉन्गडिंग टाउन है। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये भी एक पहाड़ है, तो आप चारों मतलब जहाँ पे आप खड़े होगे वो एक पहाड़ी है यहाँ पे। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय ब्रदर ओवर हियर, ही हेल्प मी अलॉट। लाइक ये भैया मुझे यहाँ पे लेके आ गया एंड सो ये व्यू दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे लेके आ गया। एंड लाइक दिस इज टोटली वर्थ इट, यहाँ पे ज़रूर आना। इफ यू आर फ्रॉम जोहार देन प्लीज मेक श्योर आप यहाँ पे आ सकते हो, आराम से आ सकते हो। एक दिन लगेगा, सुबह जल्दी निकलना यहाँ पे घूमना, फिर आपको शाम के टाइम आपको वापस आप घर भी पहुँच जाओगे, इतना सामने है ये। ऑलमोस्ट 165 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम टाउन। So time to say goodbye to this beautiful place out here. Like बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, स्पेशली भैया से मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा। भैया ने बहुत हेल्प किया, जगह जगह घुमाया है मुझे। तो दिस इज़ वॉट ट्रेवलिंग मीन्स, देखते हो मतलब एक अनजान आदमी दूसरे अनजान आदमी के साथ इतना क्लोज हो जाता है ना एक एक ही मीट पे। ये भी एक एक्सपीरियंस ही है। यब गाइस अभी हम निकलते हैं सीधे घर की ओर, एंड अभी कुछ शॉट दिखा के हम जा रहे हैं थोड़ा सा अपने घर की ओर। Never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. मैं पहुंच चुका हूं जोहार पे है, यहां पे भी मोमो खाने वाले हैं। तो खाने के सारे है। कल ये जा रही है दिल्ली। हीट वेव्स में फ्रिकिंग मी आउट, तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। सो दिस वाज द वीडियो गाइस, एज ऑलवेज स्टे सेफ बी सेफ राइट सेफ Stay hygiene. Hi. This is the MC signing off. Goodbye.